हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फ्रस्टा अटायर में आपका स्वागत है आज मैं आपको बेसिक टूल्स फॉर स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी स्टिचिंग करते समय आपके पास बेसिक टूल्स होने चाहिए बेसिक टूल्स आपको स्टिचिंग करने में बहुत मदद करते हैं ये एल शेप का स्केल है इससे हम फैब्रिक सीधा करते हैं फैब्रिक के कोने निकले होते हैं फैब्रिक के कोनों को इसकी मदद से हम सीधा कर सकते हैं ये बड़ा स्केल है जो सीधी लाइन खींचने के काम आता है एक डॉट से एक दूसरी डॉट तक डॉट तक हम सीधी लाइन ड्रा कर सकते हैं यह कर शेप स्केल है जो पैंट और प्लाजो की शेप देने में मदद करता है इससे हम कुर्ती की शेप भी दे सकते हैं ये छोटा स्केल है ये भी लाइन ड्रा के काम आता है डॉट से डॉट मिलाकर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं ये आर्म होल स्केल है जिसे हम आर्म होल की शेप दे सकते हैं और अपने नेक की गोलाई भी इसी की मदद से दे सकते हैं ये हमारी कैंची है कैची कपड़े काटने के काम आती है आपको मार्केट में बहुत तरह की कैचियाँ मिल जाएंगी आप अपने हिसाब से कोई भी कैंची ले सकते हैं ये थ्रेड क्लिपर है इसे थ्रेड कटर भी कहते हैं जो आपके थ्रेड होते हैं उन्हें आप इजीली काट सकते हैं ये मेज़रमेंट टेप है इसे आप मेज़रमेंट लेते हैं और ये अच्छी क्वालिटी का ही लेना चाहिए और हमेशा मेज़रमेंट एक ही मेज़रमेंट टेप से लेना चाहिए ये सीम ओपनर है इससे आप जो थ्रेड होते हैं या जो सिलाई होती है उसे इजीली उधेड़ सकते हैं इसलिए इसे सीम ओपनर कहते हैं ये मशीन की सुई है ऑर्गन की निडल्स बहुत अच्छी होती हैं आप ऑर्गन की निडल्स ही यूज़ करना मैं भी ऑर्गन की निडल ही यूज़ करती हूँ ये मेरे पास सुई कम थी निडल्स हैं ये तुलपाई करने के काम आती हैं आप भी ऐसा ही बॉक्स ले लीजिए मेरे बॉक्स में थोड़े कम है बट आप लेंगे तो उसमें पूरी भरी हुई निडल्स आएंगी ये चौक है ये मार्किंग के काम आती है चौक भी बहुत तरह की होती है वो मैं आपको आ, किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगी ये ऑल पिन है ये कच्चा करने के काम आती है या आपको किसी चीज़ को एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक से जोड़ना हो तो उसके काम आती है ये बॉल भी मैंने फैब्रिक से बनाई है जिसपे मैंने पिन को रखा हुआ है फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे